HFC DAV में जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स मीट रखा गया, जहाँ कई एक ज़िले के जो है बच्चे आए हैं, कई एक स्टेट के जो है बच्चे यहाँ पर आज खेलने आए हैं। मैम स्पोर्ट्स हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एज जैसा कि हमारा जनरेशन आगे बढ़ रहा है और पढ़ाई लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये स्कूल जो है वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो इसलिए आई कैन से डैट आई एम प्राउड टू माई स्कूल। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में विद्यालय जो है, अभी तो क्लस्टर मीट का कर रहा है, हो सकता है कि यह जोनल लेवल का भी आयोजक बनेगा और नेशनल स्पोर्ट्स का भी आयोजक बनेगा। खेलकूद में मुख्यतः चार तरह के खेल यहाँ रखे गए हैं। इसमें हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स हैं। इसमें बालक बालिका समूह के दोनों के हैं, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के खेल को का आयोजन यहाँ हो रहा है। अरे प्राचार्य महोदय श्री सर्वेश्वर भुजबल जी के सफल नेतृत्व में यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा हो किया जा रहा है। HFC DAV में स्पोर्ट्स मीट हो रहा है। मैम स्पोर्ट्स हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एज जैसा कि हमारा जनरेशन आगे बढ़ रहा है और पढ़ाई लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये स्कूल जो है वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो इसलिए आई कैन से डैट आई एम प्राउड टू माई स्कूल। और स्पोर्ट्स में इतना अच्छा करा रहा है, ये सब अरेंजमेंट वगैरह सब बहुत अच्छा है। तो आई एम इन क्लास 11 एंड आई एम पार्टिसिपेटेड इन रनिंग। कौन से क्लास से हैं, स्पोर्ट्स मीट्स हो रहा है कैसा? मैं कक्षा 6E से हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में लेके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 200 मीटर की रेस में हूँ। हम लोग का स्कूल बार बार स्पोर्ट्स में जीत रहा है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होते जा रहा है दोनों के इतना। और मीनल दीदी जो है वो भी एकदम कबड्डी की नेशनल प्लेयर है और सब टैकोंडो में सबसे अच्छी दीदी अनुष्का है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग ऊपर तक जाए। धन्यवाद। मैं CDAB में स्पोर्ट्स मीट्स हो रहा है, आज कैसा लग रहा है? मैम हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से खेल से इंटरेस्टेड है? मैं रेस से इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा लग रहा है स्पोर्ट्स मीट से? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा स्कूल है, अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे बाहर से भी आए हैं, DAV के ही आए हैं, किस स्कूल के बच्चे आए हैं, और काफ़ी उत्साह से काम कर रहे हैं, उत्साह से खेल कर रहे हैं, जोश से काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद हुआ है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बच्चों ने काफ़ी जोश के साथ अपना सारे खेल में अपना अच्छे सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है। सारे बच्चे ने बहुत उत्साह के साथ, और सांस्कृतिक जो प्रोग्राम हुआ वो भी बहुत ही अच्छा रहा। HFC TAV में स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, बहुत अच्छा लगा मैडम। और ये देख करके लग रहा है कि यहाँ के शिक्षकों ने काफ़ी मेहनत की है और उनका मेहनत रंग लाया है। बच्चे और शिक्षक काफ़ी मेहनत किए हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से किस तरह से ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स रखा गया। सर आज कितने स्कूल के बच्चे सर आज यहाँ पर HFC DAV आए हुए हैं? यहाँ जो हम लोग का क्लस्टर 4 का जो है स्पोर्ट्स मीट्स चल रहा है, जिसमें 22 स्कूल का करीब 800 के आसपास जो बच्चे जो है यहाँ पे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या क्या मतलब स्पोर्ट्स हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो मेजर इवेंट रखा गया है, एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल एंड हैंडबॉल। तो किस तरह से कौन कौन से चीफ गेस्ट आए थे यहाँ पे आज के इस खास कार्यक्रम में? यहाँ पे जो असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रेलवे बरौनी मैडम लीला, और यहाँ के जो यूनिट हेड जो हर HURL का संजय कुमार गुप्ता सर का मैडम जो है यहाँ पे आए थे, और भी लोग जो है उनके साथ जो है गेस्ट के हिसाब से। कैसा लग रहा है सर आज जो है ये आपने जो HFC DAV में जो है इस तरह से भव्य आयोजन किया है इस तरह का? ये जो है DAV कोई एक इंडिविजुअल जैसे यहाँ का जो NS28 नहीं ये कर रहा है, ये हम लोग को जोनल लेवल पे ही दिया गया है। हम लोग का जो मैनेजर साहब जो है नीरज कुमार सिंह सर है, और हम लोग का ARO साहब जो KK सिन्हा सर है, ये हम लोग के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, हम लोग के ऊपर विश्वास किए, और उन्हीं का डायरेक्शन में, उनका गाइडेंस में ही ये सब कुछ हो रहा है। कैसा रहेगा आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, कैसा रहा सब ये सब? देखिए जो
बेगूसराय का धरती है, ये बहुत पोटेंशियल है और हमको यहाँ पे आके महसूस हो रहा है कि बच्चों लोग को यदि हम अपॉर्चुनिटी दे ये कोई भी फील्ड में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये हम लोग का एक प्रयास है कि बच्चों लोग को हर फील्ड में जो है हम लोग को उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। कितने दिन का ये स्पोर्ट्स मीट रहेगा? ये आज और कल, और बच्चों लोग को कल जो 2 तारीख को यहाँ पर रिपोर्ट किए थे, आज प्रोग्राम चल रहा है और कल भी चलेगा, कल होके फिर वो लोग कल जो है चल देंगे और फिर हम लोग परसों से हम लोग क्लास भी शुरू करेंगे। और चाहते हैं कि इस तरह से आप आयोजन करते रहें? देखिए DAV कोई एक कन्फाइंड नहीं है एक इंडिविजुअल से, और आप भी देख रहे हैं जो अभी ओलंपिक चल रहा है उसमें भी जो DAV का 2 अल्मनाई जो है वो उसमें जो है मेडल जो है अचीव किए हुए, नीरज चोपड़ा जो है पिछले ओलंपिक का जो गोल्ड मेडलिस्ट वो भी DAV का अल्मनाई रहे हैं। ये DAV का एक कल्चर रहा है, चाहे एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, ग्लोबली जो है ऐसे लोग को जो है प्रोड्यूस किया है। धन्यवाद। DAV में स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, कैसा लग रहा है? DAV HFC का ग्लोरियस बहुत पुराना रहा है, बहुत इतिहास पुराने रही है। यहाँ अब तक लगभग 4 क्लस्टर और जोनल लेवल के खेलकूद हो चुके हैं और हर एक खेलकूद अपना एक इतिहास बना रहा है। और इस कड़ी में, खेलकूद के कड़ी में, बिना प्रशासनिक और जितने भी सरकारी संस्थान हैं सबों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे डायनामिक प्राचार्य श्री सर्वेश्वर भुजवल जी का अहम योगदान रहता है, हमारे क्षेत्रीय सहायक निदेशक श्री कमल किशोर सिन्हा जी हैं, उन्होंने तैयारी का सप्ताह दिन पूर्व ही इस कार्यक्रम के तैयारी का पूरा जायजा लेकर के बीच बीच में हम लोगों को सहयोग देते रहे हैं और उनके कुशल नेतृत्व में ये बहुत अच्छा काम, मतलब ये खेलकूद चल रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में विद्यालय जो है, अभी तो क्लस्टर मीट का कर रहा है, हो सकता है कि यह जोनल लेवल का भी आयोजक बनेगा और नेशनल स्पोर्ट्स का भी आयोजक बनेगा। आज खेलकूद में मुख्यतः 4 तरह के खेल यहाँ रखे गए हैं, इसमें हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स हैं, इसमें बालक बालिका समूह के दोनों के हैं, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के खेल को का आयोजन यहाँ हो रहा है। HFC DAV में स्पोर्ट्स मीट रखा गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और ये DAV में 4थी बार हम लोग बहुत ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं, जिसमें 1000 बच्चे DAV के 21 स्कूल से आए हुए हैं, बेगूसराय, जी, डी और आई से, जिसमें 1000 छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया है गेम्स स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, और बहुत ही सफलतापूर्वक। और इसके लिए प्रकृति भी हम लोग को पूर्ण साथ दे रही है। 2-3 दिन पहले देख रहे थे कितना धूप था, लेकिन अभी बहुत ही मनोरम वातावरण हो गया है और बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ हर एक गेम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेल कूद चाहे दौड़ हो बाहर के फील्ड में, बहुत ही बच्चे इंजॉय कर रहे हैं इसको, बहुत ही उत्साहित होकर के खेल रहे हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह से प्रशासनिक स्तर पर हमें पूर्ण सहायता मिल रही है, हमारे ARO चाहे जो भी प्रशासन के स्तर पर, थाना के स्तर पर, हल कंपनी की ओर से हमें हर तरह से सहायता मिल रही है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्पोर्ट्स मिस हो रहा है, कैसा लग रहा है? धन्यवाद मैडम, यह हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग पूरा विद्यालय परिवार DAV मैनेजमेंट के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को ये अवसर प्रदान किया गया, और जितने भी टीम मेंबर, लगभग 24 स्कूलों के टीम आई है, सभी के टीम मेंबर सभी का सहयोग कर रहे हैं और सभी खेलकूद के सभी आइटम सफलतापूर्वक संपन्न किए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय प्रशासन, हर्ल, इंडियन रेलवे बरौनी, सुधा डेयरी बरौनी, इन सबों का भरपूर सहयोग हम विद्यालय परिवार को मिल रहा है, जिसके लिए इन सबों का हम लोग बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं और हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बच्चों को धन्यवाद, अभिभावकों का धन्यवाद, पूरे सोसाइटी का धन्यवाद। आज HFC स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, मुझे वो दिन का याद आ रहा है जिस दिन मैं भी स्कूल में क्लस्टर, जोनल और नेशनल खेला करता था, और मेरे साथ खेलने वाले रितेश नायर जो अभी इंटरनेशनल वॉलीबॉल के कैप्टन हैं, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल के टीम के कैप्टन हैं, मैं फिर उसी चीज़ को तराशना चाह रहा हूँ कि फिर नेतृत्व स्नायर कोई दूसरा पैदा हो और वो फिर DAV HFC का नाम रोशन